केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा कि शराब तस्कर खुले घूम रहे हैं, जबकि शराब पीने वाले गरीबों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर, एसपी और दारोगा शराब पी रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। जीतनराम मांझी ने न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा। वही जमीन सर्वे पर मांझी ने कहा कि 70% जमीन पर आरजेडी के लोगों का कब्जा है, इसलिए सर्वे ईमानदारी से होनी चाहिए। महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वहाँ भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ कहीं नहीं ऐसा हो रहा है, सिर्फ बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरे ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पावर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसर पीटा है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीटा है, एसपी पीटा है, जज पीटा है, कलेक्टर पीटा है, रात में उसको कोई भी नहीं लगाता है, लगाता है वो मजबूर जाता है उसको।